हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूँ आपके सामने प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो आज की सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले आपको वो बताता हूँ आज के सेशन में मेरा मतलब है। तो बच्चों, हमने ये सारे टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं और करंटली ये वाला टॉपिक चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को आज के सेशन में फिनिश करने की, देखते हैं कि पूरा हो पाता है कि नहीं। ठीक है, और आज की पढ़ाई चालू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा एनएससीजीएस रैंकर्स बैच के बारे में, जो कि 8 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था। तो इस बैच के अंदर हम एनएससीजीएस 2024 की तैयारी कराते हैं बच्चों को, और इस बैच के अंदर आपको मिलते हैं 120 सेशंस, आपको मिलते हैं अराउंड 150 सेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे, पास्ट में कंडक्टेड सारे सेशंस के रिप्ले उन्हें मिल जाएंगे और फ्यूचर में होने वाले सारे लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, आपको एक हर ऑल्टरनेट संडे को टेस्ट होता है, तो यू विल गेट द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। द टेस्ट विल बी ऑन द एनएससीजीएस पैटर्न। ठीक है, आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगी टीचर्स के द्वारा। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर और भी बच्चे प्रेजेंट होते हैं इस बैच के अंदर जो एनरोल्ड हैं, और बच्चे यहाँ पे अपने डाउट्स पोस्ट करते रहते हैं। आप भी पोस्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा डाउट है जो कि कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप टीचर्स को भी टैग कर सकते हैं, टीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टीचर्स विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो ये इस बैच की जो है दे आर द यूएसपीज, एंड ऑफ कोर्स इस बैच को ज्वाइन करने में यू हैव गुड चांसेस ऑफ क्रैकिंग एनएससीजीएस 2024। ऑलराइट, इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, और उस लिंक पे क्लिक करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए जो फीस है वो है 4,444 रुपीज ओनली। सो दिस इज द फीस। बट अगर आप VOS Pro ये कूपन कोड अगर यूज करते हैं, तो इस कूपन कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर आप ये कोर्स 4,000 रुपीज में ज्वाइन कर पाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट लेट सी कि जो चैप्टर अभी चल रहा है सेंटर ऑफ मास का, उसके अंदर हमने ये कर लिया है, हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की बात कर ली है, ये कर लिया और ये कर लिया है। तो आज हम इम्पल्स से चालू करेंगे और देखते हैं कि हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट मी स्टार्ट विथ इम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इम्पल्स की बात करें, ठीक है, जब हम इम्पल्स के बारे में बात करें या इम्पल्स के बारे में सोचें, ठीक है, तो ये बात हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हम किस फोर्स का इम्पल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि इम्पल्स जो होता है, ठीक है, इट इज एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। ठीक है, तो अगर हम इम्पल्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो देर हैज टू बी अ फोर्स, देर हैज टू बी अ फोर्स जिसकी वजह से इम्पल्स की कैलकुलेशन हम कर रहे होंगे। एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसको मैं कहता हूं कि इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं दैट इम्पल्स आई, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इम्पल्स आई ऑफ अ फोर्स, इम्पल्स आई ऑफ अ फोर्स एफ इन अ ड्यूरेशन और इन अ टाइम इंटरवल, लेट से फ्रॉम T1 to T2, ओके, इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम T1 to T2। ये इम्पल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, इम्पल्स जो होता है ये फोर्स और टाइम का इंटीग्रेशन है। हमने जो इंटरवल चूज किया है, उस इंटरवल के स्टार्ट से लेके उस इंटरवल के एंड तक, ये टाइम की लिमिट होगी। ठीक है, तो दिस विल गिव अस द इम्पल्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट दिस इज एरिया अंडर एफ टी कर्व। ठीक है, होता है ऐसा, इंटीग्रेशन करने से हमको एरिया मिलता है, सो इम्पल्स इज एरिया अंडर द एफ टी कर्व। अब अभी और समझेंगे इम्पल्स के बारे में, पहले जरा एक चीज देख लेते हैं। यहां से हमें क्या क्या पता लग रहा है इम्पल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता लग रहा है कि यूनिट ऑफ इम्पल्स जो है, ठीक है, यूनिट ऑफ इम्पल्स जो है ये है न्यूटन इंटू सेकेंड, विच इज सेम एज के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, विच विल बिकम के जी मीटर पर सेकेंड, विच इज सेम एज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब एग्जैक्टली इम्पल्स के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, इम्पल्स आखिर क्या सिग्निफाई करता है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इसको इस तरह समझते हैं कि सपोज एक पार्टिकल पर एक ही फोर्स लग रहा था, जैसे ये मान लेते हैं एक पार्टिकल है एम मास का है, और इस पर एक ही फोर्स लगा था एफ। ठीक है, और ये कुछ देर के लिए लगा था। ठीक है, तो इस अगर एकमात्र फोर्स ये ही था, तो इस फोर्स ने जो इम्पल्स डिलीवर किया होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे एफ डी टी से, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू दी फ्रॉम द स्टार्टिंग मोमेंट टू द एंड मोमेंट। और इसको हम देखो क्या लिखेंगे, इफ दिस वाज द ओनली फोर्स देन एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बन जाएगा फ्रॉम T1 to T2, और ये क्या चीज है, मास इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को हम
ये ना लिख के रादर हम एक्सेलरेशन को रादर इस मास को भी हटाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। इनफैक्ट एक काम करते हैं, जब न्यूटन सेकेंड लॉ ही यूज करना है तो यही से यूज करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा, दिस इज द ओनली फोर्स, सो द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू डीपी बाई डीटी, तो डीटी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी करने से वी विल गेट डेल्टा पी, ठीक है। दैट मीन्स द इम्पल्स इज सेम एज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। वी हैव जस्ट नाउ कंक्लूडेड कि इम्पल्स जो होता है ये होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब यहाँ पे एक और बात नोटिस करो बच्चों, हमने यहाँ पे मैंने कहा था कि भाई अगर एक फोर्स है तो हमने ये सब कर दिया। व्हाट इफ अगर एक फोर्स नहीं होता, सपोज अगर मल्टीपल फोर्सेस होते, ठीक है, अगर मल्टीपल फोर्सेस होते तो फिर मैं क्या कर रहा होता, तो मैं कहता कि भाई टोटल इंपल्स निकालो और फिर मैं यहाँ पे नेट फोर्स यूज कर रहा होता, ठीक है। टोटल इंपल्स निकालने के लिए मैं क्या करता, मैं कहता F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर एंड देन ऑल द समेशन वुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द नेट फोर्स, और नेट फोर्स को हम वापस से डीपी बाय डीटी लिख देते, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक सिंगल फोर्स है तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है, अगर एक फोर्स से ज्यादा है तो जो टोटल इंपल्स इंपार्टेड बाय ऑल द फोर्सेस है दैट विल बिकम इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन गाइज, ठीक है। इसको हम इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन भी कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है, ये भी कहा जाता है। और देखा जाए तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो रूल है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, या उसका और एनहेंस्ड वर्जन है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि अगर एक सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी कि फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल के बराबर रहेगा। बट व्हाट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, तब क्या होगा, तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि उस समय पे क्या होगा। तो उस समय जो भी नॉन जीरो वैल्यू है नेट एक्सटर्नल फोर्स की, उसका जो इम्पल्स होगा वो सिस्टम के मोमेंटम चेंज के बराबर होगा, ठीक है। मतलब मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का, नेट एक्सटर्नल फोर्स का जो भी इम्पल्स आएगा वो इम्पल्स बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन गाइस, ठीक है। अभी भी लेकिन बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ठीक है, हमने इम्पल्स को एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दी, हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, हमने ये भी पता लगा लिया कि इम्पल्स जो होता है ये मोमेंटम चेंज के बराबर होता है, लेकिन अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई नहीं है, ठीक है। तो अब जरा हम इम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। व्हाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब कि क्या फायदा हुआ ऐसे इम्पल्स को वियर्ड तरीके से डिफाइन करने का और उसको यूज करने का, देखते हैं बच्चों। तो इसके लिए सपोज हमने एक फोर्स टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है, कुछ ऐसा फोर्स टाइम ग्राफ सोच लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने तुमसे कहा कि मैंने 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, और सपोज मैंने ये फोर्स 1 सेकेंड के लिए लगाया, ये 1 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, और ये 2 सेकेंड्स मान लेते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, ये 3 सेकेंड्स मान लेते हैं। तो 10 न्यूटन का फोर्स अगर 1 सेकेंड के लिए लगा है, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम, एंड द इम्पल्स वुड बी गिवन बाय दिस एरिया, ठीक है, द इम्पल्स वुड बी गिवन बाय दिस एरिया। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ सपोज आई आस्क यू टू प्रोवाइड द सेम इम्पल्स बाय अ फोर्स ऑफ डबल द मैग्नीट्यूड, ठीक है, आई एम आस्किंग यू टू प्रोवाइड एन इम्पल्स टू प्रोवाइड एन इम्पल्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट विथ डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो अगर मान लो मैं 20 न्यूटन का फोर्स यूज करूंगा तो मुझे केवल आधे सेकेंड के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा और मेरा काम हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब जो इम्पल्स है सेम इम्पल्स है, लेकिन अब जो एरिया है वो ये वाला हुआ, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं, एक काम करो, मुझे सेम इम्पल्स चाहिए लेकिन मुझे ये इम्पल्स 0.1 सेकंड के अंदर चाहिए। तो अगर 0.1 सेकंड के अंदर चाहिए तो जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो 100 न्यूटन का होगा क्या, ठीक है, और ग्राफ फिर देखो इस तरह का बन जाएगा क्या, ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, ये देखो आ रहा है समझ में। और अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये सेम इम्पल्स जो है, ठीक है, सेम इम्पल्स जो है ये मुझे चाहिए 0.01 सेकंड के अंदर। अब जरा इमेजिन करो तुम जो ग्राफ बनाओगे वो क्या होगा, वो 1000 न्यूटन का फोर्स होगा जो कि 0.01 सेकंड के लिए एक्ट करेगा। सिमिलरली यू कैन थिंक मोर, ठीक है, राइट। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि हमको ये समझ में आ रहा है कि द सेम अमाउंट ऑफ इम्पल्स कैन बी इम्पार्टेड इन वेरीड ड्यूरेशंस, ठीक है। हम 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, 0.5 सेकंड में भी कर सकते हैं, 0.1 सेकंड में भी कर सकते हैं, और कम ड्यूरेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन
अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड इंक्रीजेस एज यू डिक्रीज द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्सेस एक्टेड. ठीक है, यू नीड लार्जर एंड लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फोर्स. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आर देर एनी फोर्सेज विच एक्ट लाइक दिस? सो यस, देर आर फोर्सेज विच एक्ट फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन. ठीक है, जैसे माइक्रो सेकेंड्स के लिए एक्ट करेंगे या मिली सेकेंड्स के लिए एक्ट करेंगे. ठीक है, तो देर आर फोर्सेज विच एक्ट फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन एंड दे आर वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड. एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू इम्पार्ट फाइनाइट वैल्यू ऑफ इम्पल्सिस. ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ऐसे फोर्सेस देखने को मिलते हैं कोलिजन्स में. मतलब कि ऐसे फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्सेस कहा जाता है. ठीक है, इम्पल्सिव फोर्सेस कहा जाता है. व्हाट एग्जैक्टली आर इम्पल्सिव फोर्सेस? सो दीज आर फोर्सेस ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड. दीज आर फोर्सेस ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड दैट एक्ट फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. फोर्सेस ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड दैट एक्ट फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड हेंस आर एबल टू प्रोवाइड फाइनाइट वैल्यू ऑफ इंपल्स. ठीक है, सो फोर्सेज ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड दैट एक्ट फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड हेंस आर केपेबल आर एबल टू प्रोवाइड फाइनाइट वैल्यू ऑफ इंपल्स. ठीक है, अब इसको और थोड़ा समझते हैं. मतलब कि ये फोर्सेस कैसी सिचुएशन में अराइज होते हैं? सो दीज फोर्सेस अराइज ड्यूरिंग कोलिजन्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बैट जब बॉल को हिट करती है. ठीक है, इधर से बॉल आई, बैट ने बॉल को हिट करा, तो बैट और बॉल का जो कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. बहुत कम ड्यूरेशन के लिए दोनों कॉन्टैक्ट में रहते हैं, लेकिन बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि बॉल के मोमेंटम में चेंज आ गया है. ठीक है, तो बॉल के मोमेंटम में फाइनाइट चेंज है, लेकिन वो चेंज जिस फोर्स की वजह से है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा था, फिर भी फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम कर दिया. तो यानी कि बैट ने जो बॉल पर लगाया होगा फोर्स, वो फोर्स काफी लार्ज इन मैग्नीट्यूड रहा होगा, और होता भी है. ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्सेस हमें कोलिजन्स में देखने को मिलते हैं. ठीक है, और उसके अलावा जैसे हमें जर्क्स में देखने को मिलता है, जैसे एक तुमने स्ट्रिंग को झटका दिया, उसमें तुम्हें देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह की एक्सप्लोजन्स में देखने को मिलते हैं. सो दीज आर द सिचुएशंस इन व्हिच इम्पल्सिव फोर्सेस एक्ट. ठीक है, नाउ देर आर सम इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, की इम्पल्सिव फोर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्सेस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इम्पल्सिव फोर्सेस. सो फर्स्ट पॉइंट इज एन इम्पल्सिव फोर्स कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाय एन इम्पल्सिव फोर्स. ओके, एंड इम्पल्सिव फोर्स कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाय अनादर इम्पल्सिव फोर्स. ठीक है, एक इम्पल्सिव फोर्स दूसरे इम्पल्सिव फोर्स या फोर्सेस से ही बैलेंस होता है. मतलब एक इम्पल्सिव फोर्स और एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स आप एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते. और ये देखा जाए तो बहुत ऑब्वियस है ना, ये जो इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं दे आर वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, द नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस आर वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड और फाइनाइट इन मैग्नीट्यूड. तो ये एक दूसरे को कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे, तो इम्पल्सिव फोर्स अगर कैंसिल होगा तो वो दूसरे इम्पल्सिव फोर्स से ही कैंसिल होगा. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट ऑफ अ पार्टिकल एंड स्प्रिंग फोर्सेस आर नेवर इम्पल्सिव इन नेचर. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स जो है दे आर नेवर 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 इम्पल्सिव इन नेचर. व्हाट अबाउट टेंशन इन नॉर्मल?
टेंशन एंड नॉर्मल ओके आर केस डिपेंडेंट, मतलब कि ये कुछ केस में इम्पल्सिव हो भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये इम्पल्सिव ना हो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक बॉल बंधी हुई है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो यहां से एक बॉल आके इस फर्स्ट बॉल, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, अगर बी बॉल आके ए को हिट करती है तो नोटिस करो कि ए पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, कोलिजन की वजह से, ये इम्पल्सिव होगा। बी ने आके ए को हिट करा, ए जो है वो बी को हिट कर देगी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से। ठीक है, तो ये वाले फोर्सेस जो है ये इम्पल्सिव नेचर के होंगे। कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है, ये वाले जो फोर्सेस हैं ये इम्पल्सिव नेचर के होंगे क्योंकि ये कोलिजन में अराइज हुए हैं। ठीक है, तो ये इम्पल्सिव फोर्सेस होंगे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्सिव फोर्स दिस बॉल विल टेंड टू मूव, इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक। ठीक है, स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक, ढीली पड़ जाएगी स्ट्रिंग। तो इस वजह से इस केस में एन जो है ये इम्पल्सिव है क्योंकि एन तो खुद कोलिजन से अराइज हुआ है। ठीक है, और टेंशन जो है ये नॉन इम्पल्सिव है। देखो समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, टेंशन जो है दिस इज नॉन इम्पल्सिव। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, इसी सिचुएशन में सपोज एक बॉल है, एक स्ट्रिंग से लटक रही है और एक डिफरेंट बॉल इधर से आ रही है। ठीक है, स्ट्रिंग डजन ब्रेक, ये क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हुई है, अब देखो ये बॉल यहां पे आके इसको टक्कर मारेगी, अगेन इसका नाम ए इसका नाम बी रख देता है, तो बी पे एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, ए पे भी एक इम्पल्सिव फोर्स लग जाएगा। ठीक है, अब बी पर जो इम्पल्सिव फोर्स लगा है उसकी वजह से बी इस डायरेक्शन में, एन की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, बट दैट वुड मीन कि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वो बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब बी बॉल ने जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर करने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया होगा? तो ऊपर की तरफ टेंशन एक्ट कर गया होगा और ये टेंशन भी इम्पल्सिव ही होगा, तभी ये एन को बैलेंस कर पा रहा है। ठीक है, तो एक इम्पल्सिव टेंशन डेवलप हो जाएगी। आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीवन? ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल भी इम्पल्सिव है और इस केस में टेंशन भी इम्पल्सिव है। देखो यहां तक आ रहा है क्या समझ में? अब हम नॉर्मल की भी सिचुएशन देखते हैं जिसमें कि नॉर्मल ही इम्पल्सिव भी हो सकता है और नॉन इम्पल्सिव भी हो सकता है। तो नॉर्मल के लिए हम सिचुएशन देखते हैं। सपोज जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, और ये एक बॉल है, और ये बॉल आपस में अगर कोलाइड कर रही है तो इस कोलिजन में जो फोर्स अराइज होगा, ठीक है, इस कोलिजन में जो फोर्स अराइज होगा वो इम्पल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, वो इम्पल्सिव नेचर का हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मल है ये इम्पल्सिव नेचर का हो गया। अब एक सिचुएशन समझते हैं, जैसे सपोज ये ग्राउंड है और ये एक बड़े साइज की बॉल है और एक छोटे साइज की बॉल रोल करते हुए जा रही है और उसको कोलाइड कर रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब ये छोटे साइज की बॉल यहाँ पर होगी, ठीक है, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा इन दोनों के वो सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए लाइन चेक करेगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। तो ये नॉर्मल जो होगा ये तो सर्टेनली इम्पल्सिव है, ये कोलिजन से अराइज हुआ है, ये टक्कर में अराइज हुआ है। अब देखो ये जो इम्पल्सिव फोर्स है इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड है, तो ये इस बॉल को ऊपर उछालने की कोशिश करेगा। इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि यहां पर जो नॉर्मल फोर्स था जिसको मैं N1 कह देता हूँ, जो कि ग्राउंड ने लगा रखा था बॉल पर, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये N1 जो है, ये N1 जो है ये नॉन इम्पल्सिव है, ये नॉन इम्पल्सिव होगा। ठीक है, ये N1 जो है ये नॉन इम्पल्सिव होगा। इसी तरीके से ये जो है ना किया, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, तो ये बॉल नीचे जाने की कोशिश करेगी लेकिन ग्राउंड की प्रेजेंस की वजह से नीचे तो जा नहीं सकती, तो
इसका मतलब इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो कि इस एन के वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस आउट करेगा। तो ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये इंपल्सिव नेचर का होगा क्योंकि इसे एक इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस करना है, ठीक है, तो इसका इंपल्सिव होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि क्या इंपल्सिव होगा और क्या नॉन इंपल्सिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्स की बात करी। अब हम बात करेंगे समथिंग कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो क्या होता है वो देखते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम ई सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कोलिजन्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर कोलिजन्स। अब ये होता क्या है, ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ या एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, मैं एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। तो जैसे सपोज ये एक बॉल है, ये ट्रेवल कर रही थी, सपोज करो यू वन स्पीड से, और ये एक बॉल है, ये ट्रेवल कर रही थी यू टू स्पीड से, और यू वन जो था वो यू टू से ज्यादा था, तो ये बॉल जाके टकरा जाएगी, मतलब ए बॉल जो है वो जाके बी को हिट करेगी। एंड आफ्टर कोलिजन जब ये बॉल्स अलग हो गई, तो इसकी वेलोसिटी वी टू मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी वी वन मान लेते हैं। तो आफ्टर कोलिजन वी टू जो है ये वी वन से बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज सेपरेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम न्यूमरेटर लिखते हैं, जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते हैं, तो ये लिखते हैं हम आफ्टर कोलिजन जो फिगर है उसको देख के। तो आफ्टर कोलिजन देखो वी टू जो है ये मतलब बी बॉल ए से दूर जाने की कोशिश कर रही है वी टू स्पीड से, लेकिन ए बॉल वी को चेज कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, तो अप्रोच करने की कोशिश कौन कर रहा था, ए बॉल अप्रोच कर रही थी, तो यू वन माइनस यू टू दिखा रहे हैं समझ में। ठीक है, सो दिस रेशियो इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये बॉल इधर आ रही है यू वन से, ये बॉल इधर जा रही है यू टू से, आफ्टर कोलिजन ये वापस जा रही है वी वन से और ये वापस जा रही है वी टू से, तो इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो वी वन प्लस वी टू है, और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो यू वन प्लस यू टू है। तो इस केस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, वॉट इफ मान लो ये बॉल नीचे जा रही थी यू वन से, एक प्लैंक था जो कि ऊपर राइज कर रहा था यू टू से, और आफ्टर कोलिजन ये प्लैंक ऊपर जा रहा है वी टू से और बॉल ऊपर जा रही है वी वन से, तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन प्लस यू टू। नोटिस करो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, वॉट इफ मान लो ये ग्राउंड है, ये बॉल आई, ये इधर आ रही है यू वन स्पीड से, और आफ्टर कोलिजन ये इधर जा रही है वी टू स्पीड से। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। तो जब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेंगे, देखो ये एंगल मान लो थीटा वन था और ये एंगल मान लो थीटा टू है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो वी टू कॉस थीटा टू लिखा जाएगा और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यू वन कॉस थीटा वन लिखा जाएगा। इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन करने का। ये एग्जैक्टली बताता क्या है, ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है इट टेल्स अबाउट, ठीक है, ई टेल्स अस अबाउट, इट टेल्स अस अबाउट नेचर ऑफ कोलिजन। ठीक है, नेचर ऑफ कोलिजन। अब नेचर का मतलब क्या हुआ, नेचर का मतलब हुआ कि इनइलास्टिक है या इलास्टिक है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन कौन से होते हैं, इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं जिनमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन कौन से होते हैं, ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन वो होते हैं जिनमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, मतलब जितना लॉस पॉसिबल था वो सारा का सारा हो जाता है, उसको इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, और ई की जो वैल्यू होती है ये जीरो से लेके वन के बीच में होती है। अगर ई की वैल्यू वन है तो इसका मतलब हम इलास्टिक कोलिजन्स की बात कर रहे हैं, और अगर ई की वैल्यू जीरो है इसका मतलब हम इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू है तो इसका मतलब ना तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, तो ये हो गई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात। ठीक है, जैसे अगेन मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सपोज हमको दे रखा है ई की वैल्यू है 0.4, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि एक बॉल है, इसको हमने एच हाइट से ड्रॉप कर दिया है, रिलीज कर दिया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये बॉल किस हाइट तक राइज करेगी वापस, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये बॉल जब नीचे गिर रही होगी तब इसकी स्पीड रूट टू जी एच होगी, और ये मान लेते हैं ये वी स्पीड से वापस राइज कर रही है आफ्टर कोलिजन, तो ई को हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यानी कि वी की जो वैल्यू आएगी ये ई टाइम्स ऑफ रूट टू जी एच आ जाएगी। अब अगर ये वी से राइज करेगी तो ये किस हाइट तक जाएगी, एच डैश, तो
तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2g, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर 2gh बाय 2g, तो h, ठीक है, यानी कि एच डैश जो होगा वो ई स्क्वायर एच होगा, यानी कि 0.4 का स्क्वायर, यानी कि 0.16 h, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि क्यों जब हम एक बॉल को रिलीज करते हैं तो वो बॉल सेम हाइट तक वापस बाउंस नहीं होती है, बिकॉज प्रैक्टिकली ई इक्वल टू 1, ठीक है, ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यू रिलीव समथिंग, ठीक है, तो लाइक बॉल इट विल कीप ऑन बाउंसिंग एंड प्रोग्रेसिवली उसकी हाइट जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन को समझ सकते हैं। अब इसका यूजेज कहाँ है, इसका यूजेज होता है कोलिजन्स को पढ़ने में। तो अब हम कोलिजन्स को समझते हैं। जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूं और फिर हम उस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। तो सिचुएशन किस तरह की है, ये मान लेते हैं एक M1 मास की बॉल है जो कि U1 स्पीड से जा रही है, ये एक M2 मास की बॉल है जो कि U2 स्पीड से जा रही है। U1 जो है ये U2 से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब कि आगे चल के ये दोनों बॉल्स डेफिनेटली एक दूसरे से टकराने वाली हैं, ठीक है, और टकराने के बाद फिर ये बॉल्स अलग भी हो जाएगी, ये मान लो V2 से जाएगी, ये मान लो V1 से जाएगी, ठीक है, ये M1 मास की है, ये M2 मास की है, ठीक है। तो हमको मान लो क्या क्या गिवन था, हमको गिवन था मासेस, ठीक है, बॉल बॉल्स के मासेस गिवन थे, यानी कि M1 M2, ठीक है, हमको गिवन था बॉल की इनिशियल स्पीड्स, ठीक है, हमको इनिशियल स्पीड्स गिवन थी, यानी कि U1 एंड U2, और हमको गिवन था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि E जो था हमको गिवन था, हमको निकालना क्या था, ठीक है, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था फाइनल वेलोसिटीज V1 एंड V2, ठीक है। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। देखो तो इस कोलिजन की सिचुएशन में, ठीक है, हम जो ई की इक्वेशन लिखेंगे, नोटिस करो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को हम लिखेंगे V2 - V1 अपॉन, और फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या लिखेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या लिखेंगे वो भी देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को लिखेंगे U1 - U2, तो ये एक इक्वेशन हो गई, दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए, एक ही हो गई। दूसरी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम मोमेंटम कंजर्वेशन के लिख सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये बॉल्स आपस में टकराई हैं तो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ही फोर्स लगाया है, बाहर से कोई फोर्स ऐड नहीं किया है, तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो हम लिखेंगे M1U1 + M2U2 = M1V1 + M2V2, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 से V2 निकालते हैं, तो V2 कितना होगा, ये होगा E टाइम्स ऑफ U1 - U2 + V1, इस V2 को उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये बन जाएगा M1U1 + M2U2 = M1V1 + M2 × V2, और V2 कितना है, V2 है E टाइम्स ऑफ U1 - U2 + U1, ठीक है, + U1, नहीं U1 नहीं है ये, ये था V1, सॉरी ये V1 है ना, वो U और V थोड़े से मेरे सिमिलर से लगते हैं, तो राइटिंग का ध्यान रखा जाएगा। तो ये V1 है, तो अब मुझे इसमें से V1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं V1 को इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। जैसे V1 का कोएफिशिएंट क्या क्या है, रेड कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने M1 ले लिया और V1 मुझे दिख रहा है कि V1 में +M2 ये आ जाएगा, ठीक है, बाकी सब उस तरफ ले चलते हैं। तो M1U1 + M2U2 -M2E × U1 - U2। अब एक काम करते हैं, U1 की टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, तो एक M1 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और U1 में यहाँ पे मुझे एक -E M2 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। और U2 का जो कोएफिशिएंट है, एक तो M2 हो जाएगा और एक +E M2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से V1 की वैल्यू देखो, ये M1 प्लस M2 उस तरफ डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा M1 - E M2 अपॉन अपॉन M1 + M2, ठीक है, × U1 + ये बन जाएगा M2 1 + E अपॉन M1 + M2 × U2, तो ये पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बच्चों अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। अब तुम एक और काम कर सकते हो, इस V1 को उठाकर V2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो तुम्हें V2 में पता लग जाएगा। करने पर डायरेक्टली क्या आएगा मैं बता देता हूँ, तो करने पर V2 की जो वैल्यू आएगी, देखो इसमें M1 M2 को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा M2 - E M1 अपॉन M1 + M2,
इनफैक्ट U1 U2 भी इंटरचेंज जाएंगे, ठीक है, तो ये U1 की जगह U2 आ जाएगा प्लस, और कितना हो गया ये हो जाएगा M1 1+E अपॉन M1+M2 × U1, ठीक है। तो तुम्हें दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, तुम एक फॉर्मूला याद कर सकते हो और उसके बेसिस पे तुम दोनों फॉर्मूलों को यूज कर सकते हो, यानी कि V1 को भी यूज कर सकते हो और V2 को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक बॉल थी जिसका मास था 3 kg का और जो ट्रेवल कर रही थी लेट से 5 m/s के साथ, और एक दूसरी बॉल थी जिसका मास था 2 kg, ठीक है, और लेट से ये ट्रेवल कर रही थी इसको ट्रेवल करा देते हैं सपोज 3 m/s से, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को सपोज 0.6 दे देते हैं, तो अब कोलिजन होगा, ठीक है। तो कोलिजन होके हमसे पूछा गया कि भाई 3 kg की जो वेलोसिटी है वो बताओ कितनी हो जाएगी और 2 kg की जो वेलोसिटी है वो बताओ कितनी हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे V1 = M1, तो M1 हुआ 3 kg माइनस E टाइम्स ऑफ M2 डिवाइडेड बाय M1+M2 × U1, U1 है 5, ठीक है, प्लस M2 × 1+E डिवाइडेड बाय M1+M2, ठीक है, × U2, U2 कितना है, U2 है 3, तो अब बस कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 3 - 1.2, तो 1.8 हो गया ये, तो 1.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 × 5, तो ये तो इतना ही हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 1.6 का 2, 3.2, तो 3.2 × 3 9.6 / 5, ठीक है, तो ये अब कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा 1.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.92, ठीक है, तो बस इसको ऐड कर लेंगे तो ये V1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम V2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक डिफरेंट केस करके दिखाता हूँ, जैसे एक स्पेशल केस करते हैं, तो स्पेशल केस में क्या ले रहे हैं हम, सपोज M1 जो है वो M2 के इक्वल है, ठीक है, एंड E की वैल्यू 1 है, तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। जैसे V1 हो जाएगा M−EM/M+M × U1 प्लस M × 1+1/2M × U2, विच बेसिकली मीन्स कि U2 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब V2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा M−EM/M+M × U2, ठीक है, प्लस M × 1+E/2M × U1, विच बेसिकली मीन्स, तो इसका मतलब देखो V1 जो है वो U2 बन गया और V2 जो है वो U1 बन गया, सॉरी U1, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज्ड, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज जाएगी, विच इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये एक एम मास की बॉल है, ये जा रही थी 10 m/s से, इसका मास ए, इसको ए कह देते हैं, ये एक दूसरी बॉल है बी जो कि आ रही थी सपोज 7 m/s से, ठीक है, इसका मास भी एम है, तो अगर ई वन है तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ए इधर चलने लगेगी 7 m/s से और बी जो है ये इधर जाने लगेगी 10 m/s से, मतलब कि नोटिस करो कि इनके वेलोसिटी वेक्टर एक्सचेंज हो गए, जैसे ये एरो इस पे शिफ्ट हो गया और ये वाला जो एरो है ये इस पे शिफ्ट हो गया, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसी रिजल्ट की एक और एप्लीकेशन आप लोगों को दिखाता हूं, तो जैसे मान लो ये ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर सपोज ब्लॉक्स रखे हुए हैं जो कि आइडेंटिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक दीवार है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सरफेस स्मूथ है, सारे कोलिजन्स जितने भी हैं वो इलास्टिक है, ठीक है, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, ठीक है, और सबका मास एम है, ठीक है, और मान लेते हैं हमने ए को स्पीड दी है V0, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, एक दीवार से जब कोई चीज जाके इलास्टिकली कोलाइड करती है तो वो उसी स्पीड से वापस आ जाती है जिस स्पीड से वो टकराती है, ठीक है, ये बात हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले में, एक का मास इनफाइनाइट करके और दूसरे का मास फाइनाइट करके, अभी लेकिन मैं डायरेक्टली इसको यूज करता हूँ। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कोलिजन दैट विल टेक प्लेस, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट विल टेक प्लेस इन दिस सिचुएशन। तो देखो बच्चों क्या होगा, देखो ए जाके बी को टक्कर मारेगा, फिर ए रुक जाएगा, बी चलने लगेगा, मैं यहाँ पे डिपेक्ट करता हूँ,
ए अभी ट्रैवल कर रहा था, बी रेस्ट पे था, सी रेस्ट पे था और इधर दीवार थी। कुछ देर के बाद ए जो है वो रुक जाएगा और बी चलने लगेगा सेम स्पीड वी नॉट से, ठीक है, और सी यहां पर है, दीवार यहां पर है, तो एक कोलिजन हो गया, ठीक है। सो यहां से यहां तक आने में वन कोलिजन हो गया, ठीक है। उसके बाद बी जाके सी को टक्कर मारेगा। अब ए तो रुका हुआ था, वो रुका हुआ रहेगा, बी यहां पे रुक जाएगा और सी आगे चलने लगेगा वी नॉट स्पीड से, ठीक है। तो ये एक कोलिजन और हो गया इस सिचुएशन में आते आते। उसके बाद सी जाके दीवार से टकराएगा, तो सी दीवार से टकरा के फिर वापस लौटने लगेगा वी नॉट स्पीड से, तो ये एक कोलिजन और हो गया, ये सी और दीवार के बीच में हो गया। और यहां से देख लो, सी बी से टकराएगा तो एक कोलिजन और हो जाएगा, बी ए से टकराएगा तो एक कोलिजन और हो जाएगा। इवेंचुअली ए जो है वो जाने लगेगा वी नॉट से, बी यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा, सी यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ कोलिजन 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जो है वो आंसर होगा। समझ आ रहा है तो किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको ये जो भी मैंने बातें बताई आज के सेशन में आपको समझ में आई है। हमने आज इंपल्स पढ़ा, हमने आज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा, हमने आज कोलिजन्स के बारे में पढ़ा। तो आप इनको रिवाइज करिए और मैं जो भी आज मैंने पढ़ा है इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट मैं शेयर करूंगा जो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको डाउनलोड करके उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई विल नाउ सी यू इन नेक्स्ट सेशन। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय दिस सीरीज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।